अजरवन एंड इट्स टाइप्स, ये है हमारा आज का एक्ट। गॉडन्यूक टाइप याद बुझस त्रुस वना त्रुस प्रिकली सेंसेशन। आत्म जो आँख मेंबर आसान शामिल, और इसकी लाइफ 15 से 20 सेकंड तक की होती है। याद मजी अजरवन लद 5 से 7 चुकात करान एकिस कामयाब रिश्तेदारस कुन वुचित, बॉय बेन कुन वुचित, या कैस हमसायस कुन वुचित कि एमिस कैज में कौन। मैं कश्मीर में पैदा हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक हम वहाँ रह नहीं पाए। हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था, और मुझे याद है वो तारीख 5 अप्रैल 1990 सुबह के, मेरे ख्याल 4:30-5 बज रहे होंगे, जब हमें ट्रक में जाना पड़ा था बहुत थोड़ा सा सामान लेकर, और अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर हम वहाँ से निकले थे। उसके बाद हम सीधा जम्मू आए, और वहाँ हमने मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने गुजारे, और उसके बाद हम लोग दिल्ली आए थे। और यहीं मैं, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, और फिर मैं बॉम्बे चली गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, मतलब मैं ट्रेनिंग्स में हूँ, और उसके अलावा मैंने अपना ये चैनल असुन का शुर यूट्यूब पे शुरू किया था 2 साल पहले, अप्रैल में। और ये दिस इज़ माई हम्बल कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई लैंड दैट आई एम सो मच इन लव विथ। आई मेक कॉमिक वीडियोज़ विद अ मैसेज, एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक वी कैन प्रिजर्व आवर लैंग्वेज। बनाने पानस नि सवि और योर इन दिवान गन बच्चन गजर थवि कुछ अमिस अत लागान कुछ अमिस नजदीक गसान तो अमिस चल जमीन नीरथ तौर फिक्रि दोनस वन क्या कर दोनस कहीं चुन अमिस कहीं तसरुप गोमुत कहीं फ्रट चुन यह पोमुत यह बचन हिंद घर अमिस सत कर दोस्ती यह थवन मोहब्बत सान अमिस। लेकिन मुझे 13-14 साल के बच्चे, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं कि हमारी जो दादी हैं वो यूट्यूब पे लॉग इन नहीं कर सकती, या उनका अकाउंट नहीं है, तो मैं उनके बदले आपको ब्लेसिंग्स वो भेज रहा हूँ। स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे लिखते हैं कि हमने आज एक नया कश्मीरी लफ्ज़ सीखा। जैसे अजरवन पे मैंने एक वीडियो बनाया था, तो बच्चों ने शायद सुना था, बट एक कॉलेज का ही लड़का था, उसने मुझे कहा मुझे मालूम नहीं था कि जलसी को अजरवन कहते हैं, बताइए वो कश्रिशन अजरवन पाई होता। लोगों का फीडबैक ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यार मुझे लोग भेजते हैं। बीच बीच में हैं कुछ लोग जिनको तकलीफ होती है, मगर मैं अगर कंपेयर करूँ कि जितनी मुझे मोहब्बत मिली है, मुझे लगता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम नफरत मिली है, मोहब्बत ज़्यादा मिली है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और ऐसा नहीं है ये मैंने पर्दे पे या वीडियो पे शायद पहली बार किया होगा, ऐसे तोतमे मैं घर में काफ़ी करती थी। तो मैंने पहला तो मैंने मजाक में अपलोड कर दिया, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, मुझे लगा था जो बुजुर्ग हैं या मिडिल एजर्स हैं, जो सच में जिन्होंने बहुत अच्छी जबान बोली है या सुनी है कश्मीरी जबान, शायद वहाँ से रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। जब मैं कश्मीर के बारे में सोचती हूँ, अगर कोई मुझे कहता है कश्मीर, तो मुझे अपना घर ही याद आता है, जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ इनफैक्ट मेरा भाई भी पैदा हुआ था। उस समय बहुत खौफ बहुत था, जान का खौफ कम था, शायद इज्जत का खौफ ज्यादा था। मुझे याद है मेरी मदर कभी वो भजन या लीला कुछ चलाती थी शाम को, रिलीजियस, ये प्रॉब्ली टू फील अ लिटिल पीसफुल, तो उस समय हमारे पथराव होना शुरू हो जाता था। फादर वहीं के पले बड़े हैं, वो अपनी जमीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी। तो वो चाहते थे कि नहीं हम यहीं रहेंगे, इसीलिए जहाँ ज़्यादातर लोग जनवरी 1990 में चले गए, हम लोग अप्रैल तक वहीं थे, क्योंकि हमारे फादर मानते नहीं थे। फिर एक दफ़ा उन्हीं के एक बचपन के दोस्त आए, तो उन्होंने कहा कि वे नमाज नमाज पढ़ कर आ रहे हैं, और वहाँ इनका भी नाम है, मेरे अंकल का और मेरे फादर का। तो उस वक्त जो है मेरी मदर बहुत एडमिट हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब इससे ज़्यादा प्रूफ तो आपको नहीं चाहिए ना कि अब हमें यहाँ नहीं रहना। और आज भी मैं यही कहती हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ इस दुनिया में, मैं कहीं भी रहूँ, घर अगर मुझे कोई पूछेगा तो वो कश्मीर है, और वही रहने वाली वाला घर जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो फिर 5 अप्रैल 1990 को हम ट्रक में सुबह, तो वहाँ तकलीफ, आज तो तकलीफ होती है, तब तो समझ नहीं आया,
तो लोग फेरन के नीचे कुछ हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं, आपका घेराव करते हैं और बोलते हैं नीरू नीरू तो अछूना नीरू जल्दी, और कुछ चेहरे आप उसमें से पहचानते भी हैं क्योंकि 2 दिन पहले तक वो कोई अंकल्स थे उसी मोहल्ले के जो आपके घर आया करते थे, जिनसे आप मिलते थे, तो ऐसा होता था। As a 6-7-year-old kid that I was that time, it was not Jagmohan or his people who used to break the window panes of my house. It wasn't him. It wasn't him who had put my father's and my uncle's name on the list. No, it wasn't him. It wasn't his people who were standing in front of our truck at 4:35 a.m. in the morning and telling us ki yahan se chale jao. Agar main jana chahti hu, lekin main kahan jau? Main aapko abhi bataya, main relate mere liye Kashmir. मैं अपना घर का मतलब है वो रहनेवारी का घर, वही मोहल्ला, वही चौक, मैं क्या जा सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन जहाँ तक कि मैं जाना चाहती हूँ, क्या मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ, लोग सवाल पूछते हैं आप कश्मीरी हो, मुझे मन करता है मैं उनका सर फोड़ दूँ, ये कैसा सवाल है? तो मैं उनसे पूछती हूँ आपने कभी किसी नॉन कश्मीरी को इतनी अच्छी कश्मीरी बोलते सुनी है? तो मैं कश्मीरी हूँ।